गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे sp3 संकृत कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की गणना के बारे में। हमने पहले बात की थी sp संकृत कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की और दूसरी बात की थी हमने sp2 संकृत कक्षकों के मिश्रित गुणांकों की। तो मैंने देखो आपको पहले भी बताया है कि जितने हमारे पास में संकृत कक्षक बनते हैं उतने ही हमारे पास में तरंग फलन के समीकरण बनेंगे। उन तरंग फलन समीकरणों के आधार पर भी हम जो जो मिश्रित गुणांक लेते हैं उन मिश्रित गुणांकों का मान हम प्रसामान्यीकरण और लाम्बिक प्रसामान्य के थ्रू हम निकालते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें sp3 संकरण के बारे में, मैंने आपको पहले भी शॉर्टली में बताया था कि sp3 संकरण जो होता है उसमें चार संकृत कक्षक बनते हैं, यानी कि चार परमाणु कक्षक होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और चार नए संकृत कक्षक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैथेन का एग्जाम्पल दिया था। मैथेन के एग्जाम्पल में बताया था कि कार्बन परमाणु जो होता है उसके चार परमाणु जो कक्षक होते हैं वो मिश्रित होकर चार नए संकृत कक्षक बनाते हैं। चारों कक्षक चतुष्फलकीय होते हैं, एक दूसरे से आपस में 109 डिग्री 28 सेकंड के का कोण ये बनाते हैं। चारों संकृत कक्षक जो होते हैं वो आपके तरंग फलन जो समीकरण देंगे वो होंगे साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4। देखो sp में केवल 1 और 2 आया था, sp2 के अंदर साई 1, साई 2 और साई 3 आया था और sp3 के अंदर साई 1, साई 2 और साई 3 और साई 4 आ रहा है। तो जैसे जैसे हमारे समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे देखो a1, a2, a3, a4। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे पास में CH4, तो इस CH4 में जो कार्बन है उस कार्बन के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और नए संकृत कक्षक बनाते हैं वो वाले हैं 2s आ गया, 2px, 2py और 2pz। तो हम इनके आगे 2 या 3 हम लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो हम ज़रूरी नहीं हम केवल sp x, py और pz भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हम इसको क्लासिफाइड करने के लिए मैथेन के लिए हम निकाल रहे हैं तो साई 2s सभी जगह वैसे का वैसा आएगा। ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम अपने समीकरण को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे b1, b2, b3, b4, साई 2px, साई 2px, साई 2px, साई 2px। नेक्स्ट अपना सी वाला, c1, c2, c3, c4, साई 2py, साई 2py, साई 2py। नेक्स्ट फोर्थ अपना कोफिशिएंट आएगा d1, d2, d3, d4, साई 2pz, साई 2pz, साई 2pz, साई 2pz। अब देखिए आपके पास में चार संकृत कक्षकों के लिए तरंग फलन बन चुके हैं। ये तरंग फलन जो हमारे पास में सामने आ रहे हैं इन्हीं तरंग फलनों के अंदर हमें a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4 और d1, d2, d3, d4 के कैलकुलेशंस करने हैं, गणना करनी, इनके मान निकालने हैं। यहाँ पे जो भी abcd के हैं हमारे पास में 1 2 3 4 जो भी हम लगा रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, मिश्रित गुणांक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं sp3 संकृत कक्षकों को कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो पहली स्टेप में हमने क्या लिया था, s लक्षण। क्या लिए थे हमने, s लक्षण। देखिए s लक्षण यहाँ पे भी वैसे आएंगे, जब हम s कक्षक का आवेश घनत्व चारों कक्षकों के लिए क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है, यानी कि s कक्षक जो लक्षण होते हैं वो चारों कक्षकों में समान रूप से वितरित होते हैं। समान रूप से वितरित होने का मतलब क्या होता है, हमारे पास में कितने हो गए, चार कक्षक हैं, 100% होता है, तो 100% का 4 क्या होगा, 25% या 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं a1 square is equal to a2 square is equal to a3 square is equal to a4 square is equal to 1/4, या फिर स्क्वायर हटाएंगे तो a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to a4, रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2।
ये है हमारे पास में, किसका एग्जाम्पल है कि हमारे पास में जो एस कक्षक का जो आवेश घनत्व है वो चारों जो संकृत कक्षक होते हैं उनके अंदर समान रूप से वितरित रहता है। इसलिए हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास में क्या आया है कि हमारे पास में A1, A2, A3, A4 का हमारे पास में मान आ गया। A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट हम कंडीशन फॉलो करते हैं, हमारी दूसरी कंडीशन पहले तो हो गई आवेश घनत्व वाली, दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं कि हमारे पास में जो साई वन है, कंडीशन नंबर सेकंड, हमारे पास में जो साई वन है हम मान के चलते हैं कि जो ये साई वन है वो एक्स अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष पर है साई वन, एक्स अक्ष पर है। अगर ये एक्स अक्ष पर है तो इसका वाई एक्स और जेड एक्स के जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है साई वन के अंदर वो बिल्कुल ही क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि एक्स अक्ष पर है तो साई 2px तथा साई 2py का कॉन्ट्रीब्यूशन या अंशदान शून्य होगा। अब देखो साई 2px यहाँ पे आ रहा है और साई 2py ये आ रहा है, किसके लिए हम बोल रहे हैं, हम साई 1 के लिए बोल रहे हैं। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे b1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और c1 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन किसके अकॉर्डिंग आ रही है, जब हम साई 1 को एक्स अक्ष पर मानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई, किसकी आ गई, b1 बराबर 0 और c1 बराबर 0, ये दो कंडीशन हमने फॉलो कर ली। अब हमें पता है कि हम पहले भी क्या कर रहे थे, प्रसामान्यीकरण कर रहे थे। प्रसामान्यीकरण की शर्त आपको पता ही है कि सबसे पहले हम साई 1 का प्रसामान्यीकरण करते हैं, तीसरी कंडीशन साई 1 का नॉर्मलाइजेशन या प्रसामान्यीकरण करने पर, देखो प्रसामान्यीकरण करेंगे तो हम समाकलन का निशान साई 1 क्या हो जाएगा, देखो साई 1 प्रसामान्यीकरण में स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू 1, वैल्यूज पुट करेंगे साई 1 की, साई 1 की वैल्यूज ये सारी की सारी चारों की चारों जो वैल्यूज हैं, a1 साई 2s प्लस b1 साई 2px प्लस c1 साई 2py प्लस d1 साई 2pz। देखो इतनी बात हमारी हो जाती है प्रसामान्यीकरण के अंदर, हमने पहले भी हमारे फॉर्मूले अप्लाई किए थे। अब देखो यहाँ पे कितने हैं प्रसामान्यीकरण के अंदर, इनका स्क्वायर डी लैम्डा इज इक्वल टू 1, कितनी डिजिट हो गई, 1, 2, 3 और 4। तो हमको पता है कि a प्लस b प्लस c प्लस d जो हमारे पास में होता है उसका होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है। देखो सिंपली अगर हम मेथड से इसको अप्लाई करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमें इनको एक फॉर्मूला बेसिस करते हैं, डायरेक्टली मैं लिखना चाहूँ तो इसका इजीली वे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो सबसे पहले अब देखो इसके अंदर क्या आता है कि हमारे पास में ab और cd है तो हमको दो मान के चल लेते हैं, इनको नेक्स्ट डिजिट के अंदर मान के चलते हैं, a प्लस बी इसका हो गया और b बराबर क्या हो गया, c प्लस डी, ये दो चीज़ें। अब हमारे पास में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा a प्लस बी का क्या बनेगा, देखो इसका क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये बनता है। अब a की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे और b की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो किसके आ गया a का, प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये किसके होंगे, b के, प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस b, और क्या हो जाएगा c प्लस डी, ये हमारे पास में कैलकुलेशन आ गई। क्या क्या आ गया हमारे पास में, a प्लस b स्क्वायर प्लस c प्लस d स्क्वायर का हमारे पास में क्या आ गया, ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में वैल्यूज आई हैं, अब ये जो हमारे पास में वैल्यूज आई हैं उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो गया, अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर और c प्लस डी का स्क्वायर, अब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये तो किससे हो जाएगा, इससे, प्लस c स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर प्लस टू सी डी, ये किसका हो जाएगा इसका, प्लस क्या बच जाएंगे, टू हमारा कॉमन रहेगा, ए को सी से करेंगे तो टू ए सी, प्लस टू बी ए को डी से करेंगे तो टू ए डी, प्लस टू बी सी प्लस टू बी डी, ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएंगे। नॉर्मली अगर हम उसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू सी डी प्लस टू ए सी प्लस टू ए डी प्लस टू बी सी प्लस टू बी डी, ये सारा हमारे पास में आता है। तो सिंपली हमें पता है कि ये जो ए बी सी डी ए सी ए डी बी सी ये जो भी आते हैं जिनका दो के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमारे पास में केवल और केवल क्या बचेगा इसके अंदर, ये वाली चार चीज़ें बचेंगी। क्या बचेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे पास में बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वन वाले थे तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, साई वन का प्रसामान्यकरण करें तो ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, वन आ रहा है। आपको पता है कि हमारे पास में सी वन की वैल्यू क्या है, हमारे पास में जीरो है, और बी वन की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, देखो C1 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, C1 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, जीरो, और D1 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, जीरो, D1 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है, जीरो। अब इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू जीरो तो क्या बच जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इजक्वल टू वन, बी वन की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ए वन स्क्वायर, बी वन स्क्वायर इजक्वल टू वन, ए की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, वन अपॉन फोर हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन ए वन क्या होता है, वन अपॉन टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन फोर हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, फोर माइनस वन अपॉन फोर इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, तो बी वन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, रूट थ्री बाई टू हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास में बी वन की वैल्यू क्या आई, रूट थ्री बाई टू। ये हमारी शर्त नंबर तीन कंप्लीट हो गई है। शर्त नंबर तीन कंप्लीट होने के बाद में हम करते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी कंडीशंस आएगी उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो भी हमारे पास में वैल्यूज़ आई हैं, ये ध्यान में आपको रखना है कि हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास में आ रही है। ये जो फॉर्मूला है ये इस SP3 संकरण में कम से कम तीन से चार जगह ये अप्लाई होगा और हमें वही वैल्यूज़ लेनी है जो यहाँ पर आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं, समीकरण आपके सामने वैसे के वैसे हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या लगाते हैं कि हमारे पास में साई वन व साई टू का, साई वन व साई थ्री तथा साई वन और साई फोर, ये जो हमारे पास में है नेक्स्ट कंडीशन, एक नंबर हमारे पास में फोर नंबरिंग आप अपने अकॉर्डिंग लगाते जाइए कि लाम्बिक प्रसामान्यकरण की शर्त। देखो लाम्बिक प्रसामान्यकरण की शर्त की बात हम करते हैं तो हमारे पास में लाम्बिक प्रसामान्यकरण की शर्तें क्या हो जाएगी, देखो साई वन साई टू डी लैम्डा इक्वल टू जीरो, साई वन साई थ्री डी लैम्डा इक्वल टू जीरो, साई वन साई फोर डी लैम्डा इक्वल टू जीरो। हम इसकी बात करते हैं, देखो ये हमारे पास में आ रही हैं, आपको नीचे कैमरे के नीचे आराम से इजीली आपको दिख रहा होगा सारे की सारी चीज़ें, इक्वेशंस हमारे पास में जो आ रही हैं वो सारे की सारे देखिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है कि हम इनको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमें लाम्बिक प्रसामान्यकरण की जो शर्त है वो हमें पता है कि अगर हम वन टू को करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर ज़ीरो, यहाँ पे हो जाएगा तो ए वन ए थ्री प्लस बी वन बी थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे ए वन ए फोर प्लस बी वन बी फोर इक्वल टू ज़ीरो। देखिए मैंने यहाँ पे उनको लाम्बिक प्रसामान्यकरण की जो शर्त है उसको कम्प्लीटली निकाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पे भी साई वन आ रहा है सब में साई वन आ रहा है, और साई वन में हमारे पास में सी वन और डी वन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो सी वन और डी वन से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही है। हम एक इक्वेशन लगा देते इक्वेशन नंबर फाइव
इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए हमारे पास में जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ हमारे सामने दी हुई है, देखो a1 a2 है, दोनों की वैल्यू हमारे पास में है। b1 b2 है, b1 की वैल्यू है हमारे पास, b2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे b2 की निकालनी है, यहाँ पे b3 की निकालनी है और यहाँ पे b4 की निकालनी है। तो देखो सारी चीज़ें वैसे के वैसे आएगी। जैसे b2 के लिए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, माइनस a1 a2 अपॉन b1। ये आ रहा है माइनस a1 a2 अपॉन b1। b3 के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस a1 a3 अपॉन b1। और b4 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस a1 a4 अपॉन b1। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में आ रही है और इन सब की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, 1/2 × 1/2। और नीचे b1 की वैल्यू सब में सेम है, क्या है, √3/2। यहाँ पे भी वही आ रही है, 1/2 × 1/2, √3/2। माइनस का निशान लगाना भूलना नहीं है, माइनस 1/2 × 1/2, √3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास एज इट इज़ आ रही है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आती हैं, सबकी वैल्यूज़ हमारे पास में इक्वल आती है। और वो वैल्यूज़ होती है −1/√3 −1/√3 −1/√3। तो हम इजीली क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में b2 = b3 = b4 इज इक्वल टू −1/√3। क्या आ रही है, −1/√3 हमारे पास में वैल्यूज आ रही है। देखिए ये हमारी बात हो गई, हम चौथे समीकरण की बात कर रहे हैं, हमने निकाल ली वैल्यू। जो लाम्बिक प्रसामान्यकीकरण की वो शर्त है वो हमने sin1 sin2 sin1 sin3 और sin1 sin4 पे लगाई है और हमारे पास में वैल्यूज़ आई हैं b1 b2 और b3 की हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई है। नेक्स्ट हम जो कंडीशन लगा रहे हैं वो ऐसे वाली होगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास में जो इक्वेशंस बन रही हैं उसके अंदर अब प्रसामान्यकरण की शर्त लगा दी, लाम्बिक प्रसामान्यकरण की शर्त लगा दी, लेकिन फिर भी हमारे पास में पूरी जो हमारे तरंग फलन के जो समीकरण है उनके सबके अंदर हमारे पास मान नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, साई वन का ले लिया था, अब हम नेक्स्ट लेते हैं साई टू के लिए। साई टू अगर हमारा जेड यानी कि एक्स और जेड प्लेन के अंदर है, एक्स और जेड प्लेन पर है, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि ये पी वाई का जो मान होता है उसको जीरो मान के चलेगा। मतलब क्या कह रहा है, एक्स व जेड अक्ष पर है तो sin2py इक्वल टू जो अंशदान होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, अंशदान शून्य होगा। तो sin2py किससे रिलेटेड है, py c2 से रिलेटेड, यानी कि c2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। c1 भी जीरो है और c2 भी क्या हो गया हमारा, जीरो। अब जब c2 हमारा जीरो हो गया तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में देखो क्या क्या हमने पहले भी बताया था, नॉर्मलाइजेशन की शर्त तब लगती है जब हमें किसी समीकरण में केवल एक ही मान को ज्ञात करना हो तब नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा मानों को ज्ञात करना है तब हम ऑर्थोगोनालिटी की यानी कि लाम्बिक प्रसामान्यकरण की शर्त लगाते हैं। अब साइन टू वाले समीकरण में देखो हमें a2 की वैल्यू पता है, b2 की वैल्यू हमें पता है, c2 की वैल्यू हमारे पास में जीरो आ गई, तो हमें किसकी निकालनी है, d2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे कौन सी शर्त लगाएंगे, प्रसामान्यकरण की शर्त लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट जो हमारा कर रहे हैं काम वो क्या हो जाएगा, साइन टू जो समीकरण है हमारे पास में तरंग फलन है के लिए प्रसामान्यकरण की करण की शर्त, यानी कि sin2²d λ = 1। साइन टू की वैल्यू हम एज इट इज़ वैसे की वैसे पुट करेंगे तो a2 sin2s + b2 sin2py + c2 sin2py b2 sin2px c2 sin2py d2 sin2pz² = 1।
जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास में आ रहा है ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्या वैल्यूज आएंगे हमारे पास में, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या मान है। ए टू का मान हमारे पास में क्या है, वन बाय टू स्क्वायर हो जाएगा, या हम सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास में ए टू का मान है, बी टू का मान है, सी टू का मान है और डी टू का मान है, तो हमें किसका निकालना है, डी टू का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ए टू स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इजीली, हमने पहले ही कर लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वन माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस बी टू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, बी टू की वैल्यू हमारे पास में माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस सी टू की वैल्यू हमारे पास में क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर हमेशा क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ वैल्यूज आती है, वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस एक बटे दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बटे चार माइनस, देखो माइनस है और माइनस को माइनस से अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर माइनस है तो वैसे का वैसा रहेगा, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, टू से का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, फोर, और यहाँ थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री रह जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन ट्वेल्व, लेकिन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन रही है, तो डी टू स्क्वायर की जो हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे डी टू स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इनका लघुतम ले लेंगे, लघुतम लेने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो वैल्यू हमारे पास में आ रही हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या बनेगा, डी टू स्क्वायर का जो मान बनेगा वो हमारे पास में बनेगा पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब यहाँ पे हमारे जो पास में जो वैल्यूज़ आ रही, जैसे लघुतम ले लेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, ट्वेल्व लिया तो यहाँ ट्वेल्व माइनस थ्री माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिक्स अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ये वन सिक्स अपॉन ट्वेल्व जो हमारे पास में, सॉरी सिक्स नहीं, एट अपॉन ट्वेल्व जो हमारे पास में आ रहा है, तो एट अपॉन ट्वेल्व को हम जब करते हैं यहाँ पे, इसको और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फोर और सिक्स हमारे पास में आ रहा है, तो ये डी टू हम जब इसमें निकालेंगे तो फोर और सिक्स का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोर और जो सिक्स है हमारे पास में उसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टू बाई थ्री आ रहा है, तो हमारे पास में रूट टू बाई थ्री ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी टू की वैल्यू, डी टू हमारे पास में क्या आ रहा है, रूट टू बाई थ्री। ठीक है, यहाँ तक की हमारी बात हो गई है। अब हमने जब प्रसामान्यीकरण किसका कर दिया, डी टू का प्रसामान्यीकरण कर दिया, तो हम जो लांबिक शर्त लगाएंगे, लांबिक शर्त जब हम लगाएंगे तो उस लांबिक शर्त के अंदर हम डी टू यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं कि हम साइन टू की बात कर रहे हैं तरंग फलन की, तो हम जो लांबिक शर्त लगाएंगे वो साइन टू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो साइन टू के बाद में या तो साइन थ्री वाला बचता है या साइन फोर वाला बचता है, तो जो लगने वाली शर्त है, लांबिक शर्त आती है, वो साइन टू और साइन थ्री के बीच में और साइन टू और साइन फोर के बीच में लगेगी। ये हमारी बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे पास में लांबिक प्रसामान्यीकरण की शर्त लगानी है। लांबिक प्रसामान्यीकरण की शर्त के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, हम क्या करेंगे, साइन टू व साइन थ्री तथा साइन टू व साइन फोर के बीच में लांबिक प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाते हैं। लांबिक प्रसामान्यीकरण की शर्त हम लगाते हैं। देखिए लांबिक प्रसामान्यीकरण की जब हमने शर्त लगाई है तो हमारे पास में ऑर्डर्स में क्या बचेंगे, देखो साइन टू साइन थ्री डी लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन टू साइन फोर डी लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ क्या आएंगी, ए टू ए थ्री प्लस बी टू बी थ्री प्लस सी टू सी थ्री प्लस डी टू डी थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ए टू ए फोर प्लस बी टू बी फोर प्लस सी टू सी फोर प्लस डी टू डी फोर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रहा है, ज़ीरो। अब देखिए हमारे पास में जो इक्वेशंस आ रही हैं यहाँ पे बी टू बी थ्री और जो हमारे पास में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो ओवरऑल इक्वेशंस हैं, जो हमारे पास में ओवरऑल इक्वेशंस हैं उनके अंदर हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं
वैल्यूज़ हमारी निकाली है, वो वैल्यूज़ हम क्या करते हैं कि इनके अंदर जिनकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है उनको हम नहीं लिखते हैं, और हमारा इजीली जो समीकरण हमारी इजीली जो इक्वेशंस आ रही हैं उनको हम लिखते हैं। देखिए इजीली इक्वेशन लिखने के बाद में हमारे पास में क्या आ रहा है कि हमारे पास में जो वैल्यूज़ थी वो किस किस की जीरो आ रही थी। देखो हमारे पास में C1 जीरो है, उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे आ नहीं रही है। C2 हमारे पास में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, यानी कि ये C2 ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बचेंगी वो क्या बचेंगी, A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस D2 D3 और कौन सा बचेगा, A2 A4 प्लस B2 B4 प्लस D2 D4 दोनों में इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास में इक्वेशंस बची हैं, इन इक्वेशंस को हम दे देते हैं नंबरिंग 8 और 9। ये इक्वेशंस हमारे पास में आ गई हैं। अब इन्हीं इक्वेशन के आधार पर हम किसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, इन्हीं इक्वेशन के आधार पर हम निकालेंगे वैल्यूज़ D2 की D3 की और D4 की, जो हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही हैं। देखिए हमारे पास में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनके अंदर हमारे पास में A2 A3 A4 की वैल्यू भी हमारे पास में है, B2 B3 B4 की वैल्यू भी हमारे पास में है और D2 की वैल्यू भी हमारे पास में है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सी निकालनी है, D3 की वैल्यू निकालनी है और D4 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जो समीकरण है उनके अंदर से हमें D3 की वैल्यू निकालनी है और D4 की वैल्यू निकालनी, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं D3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस A2 A3 और ये भी उधर जाएगा तो नेगेटिव का B2 B3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में नीचे क्या आएगा D2। ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा, D3 के लिए। D4 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस A2 A4 माइनस B2 B4 अपॉन D2। ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास में जो उनकी कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। A1 A2 की वैल्यू पुट की हमने, A2 की वोली वैल्यू है हमारे पास में 1/2, A3 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है 1/2 माइनस, ये हमारे पास में हो गया। B2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस 1/2√3। B3 की वैल्यू हमारे पास में एज इट इज़ वैसी की वैसी है, माइनस 1/2√3। ठीक है, तो इसका ओवरऑल हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/√6। सेम वैल्यूज यहाँ पुट होती है तो D4 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1/√6। यानी कि ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, D3 बराबर D4 इज इक्वल टू 1 - 1/√6, ये वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। इसके बाद में लगने वाली जो शर्तें हैं हमारे पास में, कम से कम 2 या 3 शर्तें और लगेंगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, sin 3 का प्रसामान्यीकरण करेंगे, फिर उसके बाद में sin 4 का प्रसामान्यीकरण करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में सारी इक्वेशंस की जो वैल्यूज आएंगी, सारे जो गुणांक हैं उनकी वैल्यूज आएंगी, और उसके बाद में हम सभी वैल्यूज़ को इन जो तरंग फलन समीकरण है sin 1 sin 2 sin 3 sin 4 इन सब के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और उसके बाद में बनने वाला जो आपका संकृत कक्षकों का डायग्राम है उसको शो करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।